हैरान मत होइए, ये एक भैंस के बच्चे का ही मुंडन हो रहा है। ये अजीबोगरीब मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का है। ये नाच गाना, ये भीड़ एक भैंस के बच्चे के मुंडन पर किया जा रहा है। गलियों में लाइन से निकल रही भीड़ गांव के पास ही एक माता के मंदिर जा रही है, जहां भैंस के मुंडन और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए अब आपको इस जलसे के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल गांव के एक व्यक्ति प्रमोद श्रीवास्तव ने माता के दरबार में मनौती मांगी थी कि उनकी भैंस का बच्चा जिंदा बचा तो वह उसका मुंडन संस्कार माता रानी के दरबार में कराएंगे। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आप खुद पशुपालक प्रमोद से सुनिए। चार पांच भैंसे पाले और कोई हमारी पड़िया बची नहीं, चार पांच भैंसों की तो मनौती माने देवी माँ के मंदिर पर गए तो माँ ने हमारी इच्छा पूरी की। इस वजह से मैंने आयोजन किया, हित प्रेमी व्यवहारी नाते रिश्तेदार खिला पिला लेंगे आराम से और उनकी मनोकामना हमारी पूरी की, उनकी पूरी की। भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार भी प्रमोद ने ठीक उसी तरह से कराया जैसे किसी आदमी के बच्चे का होता है। विधिवत उसके सिर के बाल उतारे गए। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ पूजा की और गांव वालों को भोज भी कराया। आपको बता दें कि इस मुंडन में करीब 300 लोग शामिल हुए। ये पूरा मामला आसपास के गांव में चर्चा का विषय तो है ही, सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की इस अजीबोगरीब घटना पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा।